तो गाइस कभी अभी आपका चप्पल टूटा होगा तो मेरे को जरूर बताइएगा। सो गाइस लाइफ में कभी कभी बहुत बड़े बड़े सेप्पे हो जाते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा मेरा पूरा चप्पल टूट गया था, तो कभी आपके साथ भी ये सेप्पे हुआ होगा तो मेरे को जरूर बताइए। और ये मार्क देखिए ये कैसा हो रहा है, तो चलिए इंजॉय कीजिए। हाय फूडीज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ईटी स्ट्रीट कोलकाता में। जैसा ये थंबनेल में देखा आज का वीडियो टॉपिक क्या होने वाला है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कम लेट्स ईट। स्ट्रीट फूड का लाइफ ही बहुत ऑसम होता है गाइस, एंजॉय द डिलीशियस फूड जर्नी विद मी ईटी स्ट्रीट कोलकाता। ये देखिए गाइस, ये है येलो दाल, ये देखिए यहाँ है राइस, ये देखिए आलू भिंडी की सब्ज़ी, ये देखिए आलू की सब्ज़ी, और ये देखिए एग करी, और यहाँ पर देखिए ये है मछली, ये देखिए गाइस ये है आलू की मिक्स सब्ज़ी, यहाँ पर देखिए ये है चिकन जैसे कि आप देख सकते हो गाइस। सो गाइस देखिए यहाँ है गरम परोठे, इसका वेज थाली का दाम है 70 रुपये, चिकन थाली का दाम है 90 रुपये। सो गाइस देखिए ये है मेरा चिकन करी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 4 पीसेस है, 2 बोनलेस और 2 बोन। ये देखिए इसका ग्रेवी कंसिस्टेंसी बहुत थिक भी नहीं है ना बहुत ही लिक्विड है। ये देखिए गाइस इसमें 1 पीस ऑनियन मिला है, ये परोठे, ये देखिए इसमें 4 पीसेस मेरे को मिला है और 4 परोठे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए पराठे भी बहुत सॉफ्ट हैं जैसे कि देखिए, तो चलिए खा के जल्दी से बताता हूँ ये कैसा है। तो गाइस देखिए ये मैं पराठा ले लिया हूँ और मैं टेस्ट करके बताता हूँ। इसमें प्योर बंगाली फ्लेवर है, ये देखिए इसका पीसेस भी देखिए, मतलब ये ज़्यादा बोनलेस तो बोन ले सकता हूँ, ज़्यादा बोन भी नहीं है, देखिए इसका पीसेस देखिए, पीसेस में भी फुल्ली जूस भरा हुआ है इसका, और इसका पीसेस का जो मैरिनेशन है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है इस ग्रेवी को। चलिए फटाफट में ये खा के आपसे मिलता हूँ, चलिए मिलता हूँ आप। गाइस देखिए जैसे कि मैं खा लिया हूँ और बता दूँ उसका कॉस्ट अब पड़ा है 80 रुपीस पर वो 4 आपका पराठा का और वो चिकन का। मैं बता दूँ इस प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी था, और मेरी भी एक गलती थी, मैंने पूछ के नहीं खाया, फिर बाद में उन्होंने बोला कि 80 रुपये बिल पड़ेंगे। तो गाइस प्लीज़ अगर आप कहीं भी जाए तो पहले रेट पूछ ली उसके बाद खाइएगा, मेरी ये गलती थी, मैंने उनसे पूछा नहीं। मेरा अजम्पशन था कि मेरे को लगा कि 40 रुपीज़ का, क्योंकि 4 पराठा और चिकन भी बहुत अच्छा, नहीं बोलना बहुत ख़राब बोल सकते ऑलमोस्ट था, बट 80 रुपया ये बहुत हैवी कॉस्ट होता है। तो अगर आपके साथ भी कभी ये गलती हुआ है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। 80 रुपये में देखे आपने ये कितना वर्थलेस था खाना, 80 रुपये में आप चिकन बिरयानी खा लीजिएगा, बट 80 रुपये के हिसाब से वो खाना मेरे ख्याल से वर्थलेस था, उतना वेस्ट ऑफ मनी था, क्योंकि मेरे को खाना अच्छा लगा, ख़राब बोल नहीं सकता, बट 80 रुपये बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है स्ट्रीट फूड के हिसाब से। और जैसे कि मेरा फूड है, मैं स्ट्रीट फूड को ज़्यादातर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है मेरे को स्ट्रीट फूड ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो रेस्टोरेंट में जाइएगा तो कॉस्ट बहुत लगता है, बट स्ट्रीट फूड का लाइफ और उसका स्पाइसीनेस ही कुछ और होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, मेरे से भी गलती हुआ है, तो चलिए बने रहिए, देखता हूँ कुछ और होता है तो बताता हूँ, मिलता हूँ। सो गाइस देखिए ये मैंने ले लिया है ब्रेड चाट, अब इसे पाव भाजी है जो भी बोल सकते हैं, देखिए कितना यम्मी लग रहा है, फुल्ली स्पाइसी, इसका कॉस्ट मेरे को पड़ा है जस्ट 15 रुपये। देखिए गाइस कितना
ऑसम, कितना यमी लग रहा है ये गाइस। सो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बरकरार रखें। और आपको वीडियो कौन सा बेस्ट पार्ट लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ऐसे ही मुझे प्यार और लव सपोर्ट करते रहिए गाइस। तो चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना वायरस से बचे, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय, गॉड ब्लेस यू।